Hello students, now we are going to read the second chapter, The Tiger King, of class 12th UP board based on NCERT pattern. Then students, The Tiger King is a very unique chapter. In this chapter, the writer is trying to mention about the very brave and intelligent king. Actually, the other name of the king is Tiger King. Okay, and this chapter is written by the very great personality Kalki. Okay, let's start the Hindi explanation of the full chapter, The Tiger King. And now we are going to read the first part of this chapter. The chapter, it starts from the Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. He may be identified. He may be identified as His Highness Jamidar General, Kildar Major, Sata Vyagra Samari, Maharaja Jagdiraja, Vishwabhuvana Samrat, Sir Jilani Jung Jambahadur, MAD, ACTC, or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. So, in short, students, Maharaja of the Pratibandhapuram is the hero of the story. इस कहानी के जो नायक हैं, हीरो हैं, महाराज, वो क्या हैं, वो कौन हैं? वो महाराज हैं, प्रतिबंधपुरम के महाराज ही इस कहानी के हीरो हैं. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस, वो अपनी महानता के लिए जाने जाते हैं. कुछ नाम हैं उनके खास, उन नामों से जाने जाते हैं. कौन कौन से नाम हैं? ये जो सारे नाम आपको दिए गए हैं, जमींदार जनरल, उसके बाद किलेदार मेजर, सता वहग्रह शमारी, महाराजा जधिराजा, विश्वभुवाना सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, ये इनका थोड़ा सा खास नाम है, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, ये इनका अच्छा नाम है, इट मीन्स फेमस नेम है. उसके बाद MAD इनको बोलते हैं, ACTC बोलते हैं, और CRCK बोलते हैं, बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग. लेकिन इनका जो मुख्य नाम है वो क्या है? टाइगर किंग. यही लोग इनको टाइगर किंग के नाम से भी जानते हैं. आई हैव टाइगर किंग ही इनका शॉर्टकट में सबको मिला जुला के टाइगर किंग मेन तौर पे कहा जाता है इनको. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. तो जो राइटर है हमारा, वो कह रहा है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है. आई हैव नो इंटेंशन टू प्रटेंडिंग टू एडवांस वनली टू इंड स्ट्रेटेजिक विड्रॉल. तो राइटर हमसे यहाँ पर एक बात कह रहा है, उस बात को बड़ा थोड़ा ध्यान से समझना. राइटर कह रहा है कि मैं ऐसा करने का प्रयास नहीं करूँगा, बिल्कुल इच्छा नहीं है मेरी कि मैं कहानी को शुरू करूँ और एक अच्छी सी मोड़ देकर इसको छोड़ दूँ. मतलब मैं कहानी को बीच में नहीं छोड़ने वाला. ये बात राइटर हम लोगों से बताने की कोशिश कर रहा है. मतलब राइटर पूरी कहानी हम लोग को अच्छे से बताएगा, मतलब कहानी को अधूरी नहीं छोड़ेगा, ये कहने मतलब है. इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. चाहे कह रहा है भले ही हमको स्टुका बॉम्बर की हम लोग को धमकी मिले, फिर भी मैं अपने ट्रैक से, अपनी कहानी बताने के ट्रैक से नहीं हटूंगा. इट मीन्स मैं अपनी कहानी को बंद नहीं करूंगा, भले ही स्टुका बॉम्बर आके इसको रोकने की कोशिश करे. थ्रीट मतलब धमकी दे या रोकने की कोशिश करे. तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट स्टुका बॉम्बर. व्हाट इज स्टुका बॉम्बर? स्टुका बॉम्बर एक्चुअली इज द फाइटर एयरक्राफ्ट एंड इट्स बिलोंग्स टू अमेरिका. तो स्टूडेंट्स, स्टुका बॉम्बर सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ हुआ था एंड काफ़ी तेज तर्राट और मजबूत और घातक स्टुका बॉम्बर नाम था उस एयरक्राफ्ट का. स्टुका बॉम्बर, बॉम्बर समझते हो, बॉम्ब सबसे बना हुआ है, तो बना हुआ. तो स्टुका बॉम्बर इतना शोर करता है और इतना हमला करता है, चारों तरफ सब बर्बाद कर देता था. तो भले ही स्टुका बॉम्बर क्यों ना आ जाए, फिर मैं अपनी कहानी बताने से रुकूंगा नहीं,
ऐसा कुछ राइटर का कहने का मतलब है। द स्टुका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम अ स्टोरी, यदि स्टुका चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी स्टोरी को ख़त्म कर दूँ तो मैं स्टोरी से जा सकता है। कहने का मतलब कह रहा है स्टुका बॉम्बर अगर चाहे तो मेरी स्टोरी ना सुने वो जा सकता है। एक ऐसे इसलिए एक्चुअली राइटर ने एक बात कह दी, बस स्टुका बॉम्बर का सहारा लिया है कि मतलब मैं कुंडला की कहानी किसी भी कीमत पे बंद नहीं करूँगा और ना ही जल्दी जल्दी भगाऊँगा, आराम से एक लाइन को क्लियरली बताकर तब चलूँगा। आइए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें राइटर कह रहा है राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत में ही इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वीटल इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। कह रहा शुरुआत से ही बात करते हैं, तो इट इज़ इम्परेटिव बहुत ज़रूरी है टू डिस्क्लोज यानी कि सामने लाना अ मैटर एक मामला ऑफ वीटल इम्पॉर्टेंस अबाउट टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में एक जो खास बात है उसको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, प्रत्येक लोग जो क्या बोलते हैं वो रीड्स ऑफ हिम जो उनके बारे में पढ़ते हैं विल एक्सपीरियंस अनुभव गेन करते हैं। दैट द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, इनडोमिटेबल करेज मतलब हो गया अथाय या बहुत ज़्यादा बेहद साहसी व्यक्ति से आमने सामने मिलने का इच्छा रखते हैं। मतलब जो व्यक्ति भी इनके बारे में सुनता है इनसे अनुभव लेता है इनके बारे में तो नेचुरल है एक प्राकृतिक तरह से है उनकी इच्छा, आदमी की हर व्यक्ति की इच्छा जाहिर होती है फेस टू फेस आमने सामने मिलने के लिए, ऐसे बेहद ही विशाल साहस वाले व्यक्ति से मिलने की सबकी इच्छा होती है यानी टाइगर किंग सबके मिलने की इच्छा होती है। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलमेंट, लेकिन इस इच्छा पूर्ति के कोई भी मौका नहीं, कोई चांस नहीं है। एज भारत सेड टू रामा अबाउट, देखो बेटा ये थोड़ी सी लाइन जो आई लाइन बीच में डाली गई है वो तरीका है बात करने का, थोड़ा समझ के चलना। तो आप उसने कहा ना कि सभी लोग उनसे मिलना चाहेंगे उनके बारे में पढ़कर या सुनकर, लेकिन अब ये चांस कोई मौका नहीं है, अब ऐसी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो एज भारत सेड टू रामा, जैसे कि भारत ने राम से कहा किस बारे में, अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में कहा। क्या कहा? मतलब जब भरत जी वनवास राम जी का छा तो भरत जी मिलने गए थे राम जी से रामायण में, तो उसको उसको उन्होंने भरत मिलाप बोलते हैं। तो भरत ने क्या बताया था राम को? ये बताया था कि दशरथ जी की यानी कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, राम जी यानी आपके विलाप में दशरथ जी की पिताजी की मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु की खबर दी थी ना, तो वही मतलब कुल मिला के दशरथ की मृत्यु हो गई थी यही बताने गए भरत। तो वही राइटर हम लोग को बता रहा है कि हम लोग उनसे अब नहीं मिल सकते द टाइगर किंग से। क्यों? द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अबोड ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, इस जीवित प्राणियों के आसपास से बहुत दूर फाइनल अबोड में जा चुके हैं यानी स्वर्गलोक में जा चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए हम लोग अब उनसे नहीं मिल सकते, हम लोग की मिलने की इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कहें द टाइगर किंग इज़ डेड, टाइगर किंग की मौत हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, कह रहा है कि द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, जो उनके मरने का तरीका है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असाधारण इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट पैदा करता है उनका जो मरने का जो तरीका है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, ये केवल टेल कहानी के अंत में ही आपको रिवील किया जाएगा, सामने लाया जाएगा कि उनके मृत्यु का जो जो तरीका था मरने का वो कितना रोचक था, कितना इंटरेस्टिंग था। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न, डिमाइज मतलब मृत्यु होती है, तो कह रहा है कि जितना उनकी मृत्यु में बहुत फैंटास्टिक एस्पेक्ट है, बहुत ही मतलब रोचक है उनकी मृत्यु, उतनी उनका जन्म भी रोचक है, उनका जन्म बहुत खास तरीके से था। आइए समझते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोर टोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, एस्ट्रोलॉजर्स यानी भविष्यवक्ता लोगों ने पहले ही कह दिया था कि एक दिन टाइगर किंग जो है वास्तव में मर जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे कि एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवक्ता लोगों ने कहा कि एक दिन टाइगर किंग मर जाएगा तो इसमें कौन सी खास बात है, सभी को एक दिन मरना है, मैं तो सबको आनी है, तो ऐसा क्यों कहा एस्ट्रोलॉजर्स ने कि मर जाएगा, इसमें कौन सी खास बात है? और एस्ट्रोलॉजर्स यानी भविष्यवक्ता लोग जो कहते हैं कुछ खास बात होती है उसमें, मगर टाइगर किंग मर जाएगा तो इसमें क्या खास बात है, सबको मरना है यहाँ पर। तो मैं बता दूँ स्टूडेंट्स आपको कि उसमें उनकी कुछ खास बात थी, कुछ ऐसा था कि इतने महान एक्चुअल बन गए थे, इतने बहादुर बन गए थे कि लोगों को लगता था शायद इनकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन नहीं, उनको भी मरना है एक दिन।
तो ऐसा कुछ लेकर एस्ट्रोलॉजर से कहा था। और एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा वो आइए नीचे पढ़ते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास दिया गया है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस। मतलब जो वो थे एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने कहा ये बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन और इतना कह के जो भविष्यवक्ता लोग थे वो रुक गए, इतना कह के वो रुक गए। अच्छा आइए, दे बिट देयर लिप्स एंड सॉलोड हार्ड, उन्होंने अपने ओठों को दबा लिया, एंड सॉलोड हार्ड, पूरी बात को मुश्किल से निगल गए। इट मीन्स गले में ये बात रखी, बाहर नहीं लाए। वेन कंपल्ड टू कंटिन्यू, और जब उन पर दबाव डाला गया लगातार करने के लिए कि अपनी बात को जारी रखो, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो भविष्यवक्ताओं ने इस बात पर आ गए, मतलब उन्होंने ये बताया, दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। मतलब उन्होंने कहा कि ये एक रहस्य की बात है और किसी भी कीमत पर इसको बाहर नहीं आना चाहिए था। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, यदि हम पर दबाव डाला जाता है बोलने के लिए, दबाव डाला जा रहा है मतलब, तो मतलब हम बोल देंगे। दिस चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेट, उन्होंने कहा कि बच्चा जो इस ग्रह के अंतर्गत पैदा हुआ है एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी, अपनी मृत्यु से मिलेगा, मतलब इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अभी भी आप लोग को लग रहा होगा इसमें क्या खास बात है, तो बेटा आगे देखते हैं, धीरे धीरे सब मालूम पड़ेगा आपको, लास्ट तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी क्षण में अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसमें एक अचानक से एक चमत्कार हुआ। एन एस्ट्रोनाइजिंग फ्रेज इम्बर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 day ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर, ओ वाइस प्रोफेट्स। मतलब कह रहा है एन एस्ट्रोनाइजिंग फ्रेज एम्बर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स, एक अजीब सी फ्रेज बाहर, एक शब्द बाहर आए, और भी किसके ओठों से, फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 day ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर, जो छोटा वो जो नवजात बच्चा था 10 दिन का जो बच्चा था ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर उसका नाम है, उसके ओठों से एक अजीब से शब्द बाहर आए, ना यकीन करने वाले अविश्वसनीय शब्द बाहर आए। तो उसने अपने ओठों से, 10 दिन के बच्चे ने बोला, सोचो जो बच्चा 10 दिन का वो कैसे बोल सकता है, बट उसने बोला, क्या बोला उसने, ओ वाइज प्रोफेट्स, मतलब ए महान प्रोफेट्स, यानी गणतज्ञ या योगी या क्या बोल सकते हो आप, गुरुजन, ऐसा कुछ ही बोल सकते हो आप लोग, हाँ, या बोल सकते हो कि भविष्यवक्ताओं, एवरीवन शुड ट्रांसफिक्ड इन स्टुपेफैक्शन। अब स्टुपेफैक्शन मतलब हो गया कह सकते हो कि सस्पेंस टाइप का, तो सभी लोग स्टुपेफैक्शन मतलब स्तब्ध टाइप का, मतलब हिलना डुलना बंद हो जाना, और ट्रांसफिक्स्ड मतलब बिल्कुल एकदम शांत, सभी लोग शांत होकर बिना हेड ले चारों तरफ खड़े रहे, मतलब खड़े रहे सब, और दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और सब आंखें बार बार पलके झपका झपकू के इधर उधर चारों तरफ एक दूसरे को देख रहे थे, मतलब सब इस बात पर आश्चर्य में हो गए, किसने बोला, कौन बोला ये शब्द, मतलब ओ वॉइस प्रोफेट्स ये शब्द किसने बोला भाई, सब जो आसपास थे सब परेशान हो गए। ओ वॉइस प्रोफेट्स इट वॉज आई हु स्पोक, ओ वाइस प्रोफेट्स ए महान विद्वानों, इट वॉज आई, ये मैं हूँ हु स्पोक, जो बोला है, मतलब जिसने बोला है वो मैं हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब कोई भी संदेह नहीं था, इस बार कोई भी संदेह नहीं था। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न, इन्फेंट मतलब होता बच्चा, नवजात बच्चा, इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago, यह वही नवजात बच्चा था जो अभी 10 दिन पहले जिसने जन्म लिया था, या जो भी मात्र 10 दिन का था, हु हैड इनन्सिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जिसने इन शब्दों को व्याख्यान किया था इतने साफ तरीके से, ये 10 दिन का बच्चा ही था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल, वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर्स थे मतलब मुख्य जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने अपने चश्मे को उतारा, एंड गेज्ड इंसेंसली एट द बेबी, और वो बहुत सावधानीपूर्वक ध्यान लगाकर उस बच्चे को देखने लगे। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, ऑल सभी लोग दोज हु और सभी वो ऑल दोज वो सभी लोग हु आर बॉर्न जो जन्म लेते हैं विल वन डे हैव टू डाई, एक दिन सबको मरना ही होता है। ये सब वो बच्चा बोल रहा है, वो जो 10 दिन का बच्चा बोल रहा है कि इस दुनिया में जो लोग जन्म लेते हैं सबको एक दिन मरना होता है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट,
हमें आवश्यकता नहीं है आपके इस भविष्यवाणी को जानने की या आपकी इन बातों को जानने की आवश्यकता नहीं है। देयर विड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस मैनर ऑफ डेथ दैट डेड। यदि तुम्हें थोड़ा सा भाव हो तो कृपया मुझे उन बारे में बताओ, उस मरने के ढंग के बारे में बताओ। मतलब सबको मरना है, वो सबको पता है, लेकिन मरेगा कैसा वे व्यक्ति, ये चीज बताओ तो इंटरेस्ट आए। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस। वह जो रॉयल इन्फेंट मतलब राजशाही बच्चा जो था, अटर्ड वो अपने शब्दों से बोला, अटर्ड बोलना कहना होता है, दीज वर्ड इन शब्दों को बोला इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस, वो अपनी धीमी आवाज़ में इन शब्दों को बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज एंड वॉन्डर इन वॉन्डर। जो मुख्य भविष्यवक्ता थे उन्होंने अपनी उंगली को अपनी नाक पे रख लिया, आश्चर्य में पड़कर अपनी नाक में अपनी उंगली को रख लिया। अ बेबी बेरली 10 डेज ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच। एक बहुत ना छोटा सा बच्चा जो मात्र 10 दिन का है, उसने अपना ओट खोला इस स्पीच, इस भाषा में, मतलब ये बोलने के लिए अपने ओट्स को खोला। एंड नॉट ओनली दैट, ना कि केवल ओट खोले, इट आल्सो रेजेस इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, बल्कि उसने बहुत अच्छा इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धिमान बुद्धिमत्ता से भरे हुए प्रश्न भी किए। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय है ये। रेदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाई द वॉर ऑफिस, ये ऐसा लगा जैसे वॉर ऑफिस से कोई बुलेटिन, कोई खबर निकल के बाहर आई हो। अब बेटा वॉर ऑफिस क्या है, ये वॉर ऑफिस को बोलते हैं जहाँ पर दो राज्यों में जो युद्ध चल रहा होता है तो एक लोग का एक दफ्तर होता है, वहाँ सारी खबर आती है, कौन मरा कौन जिया, कितना नुकसान हुआ कितना फ़ायदा हुआ, तो वहाँ जो उस ऑफिस खबर आती हैं तो वहाँ ऑफिस से निकल के जो खबर बाहर आती है उसको बोलते हैं, वो उस खबर की तरह वो खबर थोड़ी अविश्वसनीय होती है। तो ये बच्चे की जो बातचीत हो रही थी वो भी उस खबर की तरह अविश्वसनीय थी जो वॉर ऑफिस से आती है, देन फैक्ट्स, उस सच से ज़्यादा अविश्वसनीय थी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, उस मुख्य भविष्यवक्ता ने अपनी नाक से अपनी उंगली को हटा लिया। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आँखों को उस छोटे से नवजात राजकुमार अपनी आँखों को लगा दिया। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन आवर ऑफ द बुल, और क्या बताया उस भविष्यवक्ता ने, क्या कहा, ये जो बच्चा है ये बुल के समय में पैदा हुआ है। बुल मतलब हो क्या, बैल, उसको बोलते हैं वृश्चिक राशि, तो ये वृश्चिक राशि में पैदा हो गया है। द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, जो बैल होता है और जो टाइगर होता है वो दुश्मन होते हैं। देयरफॉर इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर ही एक्सप्लेन्ड, यानी कि उस भविष्यवक्ता ने कहा, जो चीफ मुख्य भविष्यवक्ता था उसने कहा जो मृत्यु है इसकी टाइगर से आएगी, ही एक्सप्लेन्ड, उसने व्याख्यान किया इसकी मृत्यु का कारण टाइगर बनेगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्विक वेन ही हियर द वर्ड टाइगर, दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। अब यहाँ पर राइटर हम लोग उस कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, यू मे थिंक, आप लोग सोचते होगे दैट क्राउन प्रिंस, जैसे उस दरबारी बच्चे ने, प्रिंस राजकुमार ने, जंग जंग बहादुर ने, वॉज थ्रोन इन टू अ क्विक, जैसे वो घबरा गया होगा वेन ही हियर द वर्ड टाइगर, जब उसने टाइगर सब सुना होगा तो वो बहुत से कांपने लगा होगा, घबरा गया होगा ना, आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, ये बात राइटर हम लोगों से कह रहा है। दैट वॉट एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, और वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बच्चा घबराया वड़ाया नहीं था। एज सुन एज ही हियर्ड, जैसे ही जैसे उसने खबर सुनी, जैसे उसने इस टाइगर शब्द सुना, इट प्रनाउंस, इस बच्चे ने कहा, देखो बेटा यहाँ छोटे बच्चे के लिए इट का यूज़ किया गया है, इट इज़ अ प्रनाउन विच इज़ यूज फॉर इन्फेंट, वही छोटा बच्चा, एंड इट कैन बी यूज। तो बच्चे ने कहा द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, उसने गंभीर रूप लिया, गंभीर भाषा ली, गंभीरता ली, एंड टेरिफाइंग वर्ड्स, और एक भयानक शब्द बोला, एम्ब्रेस्ड फ्रॉम हिज लिप्स, अपने ओठों से बाहर निकाला, क्या बोला, लेट्स टाइगर बी अवेयर, बाघों को जागृत कर दो, मतलब बाघों को सचेत कर दो, मतलब वो टाइगर नाम से डरा वरा तो नहीं, ऊपर से और टाइगर्स को बचने के लिए बोल रहा है, टाइगर्स को बच के रहें। दिस अकाउंट इज़ वनली अ र्यूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम, ये जो एक अफवाह जो है पूरी प्रतिबंधपुरम में फैल गई थी, पूरी प्रतिबंधपुरम में अफवाह फैल गई है। बट विद आइडेस्ट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, राइटर कह रहा है कि भले ही एक अफवाह पूरी प्रतिबंधपुरम फैल गई थी, प्रतिबंधपुरम में, बट इतनी बड़ी अफवाह जो है
तो वी मे कंक्लूड जो हम लोग सुनी है या हम लोगों ने स्वीकार की है, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, किसी तो ट्रुथ पे आधारित होगी ये प्रूफ हुआ। तो मतलब जो राइटर है वो ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है किसी न किसी सत्य पे आधारित होगी ना। तो ये एक्चुअल में राइटर ने भी एक कहानी से सुनी है, हमारे राइटर ने मतलब कि पथिवंतपुरम पे ये सब कहानी सुनी है उसने, एक्चुअल में राइटर ने अपने आँखों से देखा नहीं है। तो वही चीज़ कह रहा है कि किसी न किसी तो सत्य पे आधारित होगी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट गो टू डाउट सेक्शन एंड पुट्स योर डाउट, आई विल क्लियर देम। And if you are watching this video on YouTube, then please put your doubt on your comments and I will clear them also. Okay? Jai Hind.